हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कराने के लिए हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपके हार्ड वर्क करने के बाद भी आपका यूट्यूब चैनल ग्रोथ नहीं करता, जबकि उस पर लाइक्स और कमेंट्स भी नहीं आते हैं? आखिर सब्सक्राइबर्स तो बहुत दूर की बात हो गई। इसके अलावा जो लोग आपकी वीडियोस देखते हैं वो आप पर हंसते हैं। इन सारे सवालों से अगर आप परेशान हैं और अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। #1 keywords। फ्रेंड्स, किसी भी वीडियो को वायरल कराने के लिए सबसे जरूरी होता है कीवर्ड रिसर्च। तो आखिर ये कीवर्ड रिसर्च है क्या? जैसे मान लीजिए आपको किसी गेमिंग चैनल के बारे में सर्च करना है, तो जनरली आप YouTube पर क्या टाइप करोगे? आप टाइप करोगे गेमिंग या पबजी या फ्री फायर, आपको जैसा भी गेमिंग चैनल सर्च करना है। तो इससे रिलेटेड इतने सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं। यही है कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स किसी भी YouTube वीडियो की आइडेंटिटी को सुनिश्चित करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं। क्या सही YouTube टैग लगाने से हमारी वीडियो रैंक करेगी? ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को डेफिनेटली यस में चेंज कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं keyword.io, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पर आपको कीवर्ड रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पहले से ही अवेलेबल कीवर्ड्स मिल जाते हैं, और वो भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब सेक्शन को खोल लिया है और मैंने इंडिया कंट्री को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर किसी गेमिंग चैनल के बारे में कीवर्ड्स सर्च कर रहा हूँ और इतने सारे कीवर्ड्स, ओह माय गॉड, इतने सारे कीवर्ड्स को आपको सिंपली अपने YouTube वीडियोस में एज ए सर्च टैग पेस्ट कर देना है, वो भी YT स्टूडियो ऐप में। एंड इस तरह से आपकी YouTube वीडियो सर्च लिस्ट में नंबर 1 हो जाएगी और आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। #2 watch time। फ्रेंड्स, YouTube जनरली ऐसी वीडियोस को रिकमेंड करता है जिनकी वॉच टाइम बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लोग बोरिंग वीडियोस को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिर ज्यादा वॉच टाइम गेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू गेन मोर वॉच टाइम? फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। आपको लॉन्ग वीडियोस पब्लिश करने हैं और उसका कंटेंट इंटरेस्टिंग और यूजफुल हो आपके व्यूवर्स के लिए। जैसे हाउ टू डाउनलोड पबजी, यहाँ पे जो वीडियोस शो हो रहे हैं इन सारे वीडियोस का कंटेंट यूजफुल है और साथ ही साथ ये हेल्प कर रहा है इनको वॉच टाइम गेन कराने में। आप अपने व्यूवर्स को मेक श्योर कराएं कि आप जो कंटेंट दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ताकि उन्हें आपका वीडियो लास्ट तक एंड तक देखना ही पड़े। लेकिन वे आपके वीडियो को क्यों देखेंगे? उन्हें देखना पड़ेगा क्योंकि इंट्रो, बैकग्राउंड एंड ऑडियो क्वालिटी के मामले में आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर इसके अलावा आपने कंटेंट भी बहुत अच्छा बनाया है, तो लोग अपने आप ही आपकी वीडियोस देखने के लिए फोर्स हो जाएंगे। वे देखेंगे, वे बार बार देखेंगे, वो भी पूरा एंड तक देखेंगे, और इसके बाद आपको पता ही है क्या होगा। #3 thumbnail। दोस्तों, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा कि आप इस स्टैचू को पहली बार में ही देखते हैं और ये स्टैचू आपको पसंद आ जाती है, वैसा ही कुछ फंडा आपके व्यूवर्स के साथ है। वो आपके थंबनेल्स को देख के ये जज कर लेते हैं कि आपके वीडियोस उनके लिए यूजफुल है कि नहीं है, वो भी केवल आपके थंबनेल से। और वो या तो वीडियोस को पूरा एंड तक देखते हैं या स्टार्टिंग में ही टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो आखिर बेस्ट थंबनेल्स कैसे बनाएं? तो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, इसमें 3 मेजर कलर्स हैं, जो कि हैं रेड, येलो एंड ब्लैक। इन 3 मेजर कलर्स आपस में कॉन्ट्रास्टिंग हैं, यानी एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। एंड एक स्टडी के अनुसार यूट्यूब के टॉप 90% वीडियोज भी इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के थंबनेल्स को यूज करती हैं। और आपको पता ही है, अगर आपने इन कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के थंबनेल्स का यूज किया, तो आपके व्यूअर्स का अटेंशन ऑटोमेटिकली आपके वीडियोस पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके व्यूज बहुत तेजी से बढ़ेंगे
और व्यूज तेजी से बढ़ने का मतलब आपको अच्छे से पता ही है। #4 व्यूवर्स टू सब्सक्राइबर्स। फ्रेंड्स, जितने भी फेमस यूट्यूब चैनल्स हैं जैसे संदीप माहेश्वरी, कैरी मिनाटी एंड टी सीरीज, इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या एज अ यूट्यूबर आपने कभी वो चीज नोटिस की है? इन चैनल्स पर जो भी व्यूवर्स विजिट करने आता है वो इन चैनल्स को डेफिनेटली 110% सब्सक्राइब करके जाता है। आखिर में इनका कन्वर्जन रेट 100% हो जाता है और ये चैनल्स बाय स्पीड ऑफ रॉकेट ग्रो कर लगते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको भी यही टेक्निक अपनी वीडियोस में अप्लाई करनी चाहिए, यानी कि आपको भी डिसेंट कंटेंट के वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनानी चाहिए ताकि इन प्लेलिस्ट को देखने वाला व्यूअर आपको सब्सक्राइब कर ले। व्यूअर्स आपकी कंटेंट क्वालिटी को देखकर खुद के अंदर एक सेटिस्फेक्शन महसूस करें और वो खुद कह पड़े दैट इज व्हाट आई नीडेड, और वो आपके चैनल की प्लेलिस्ट पर और भी ज्यादा वीडियोस देखें। इस तरह आपके व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स एक रॉकेट की स्पीड की तरफ बढ़ने लगेंगे और आप अपनी कैटेगरी के वीडियोस में #1 एंड पॉपुलर बन जाओगे। #5 प्रमोट चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी डिसेंट कंटेंट की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हो तो वो वायरल हो जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन यूट्यूब भले ही एक मिलियंस ऑफ वीडियोस का स्टोर है, लेकिन हर वीडियो यहाँ पर वायरल हो जाए तो दिस इज नॉट नेसेसरी। तो आखिर ये बड़े यूट्यूबर्स कैसे अपनी वीडियोज को वायरल करते हैं? हाउ दे डू सो? फ्रेंड्स, उनके पास एक तरीका है कि वो अपने वीडियोस को शेयर एंड प्रमोट करते हैं अपने फैन पेजेस पे, मेल्स पर और बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। और जब कोई व्यूवर्स उनकी वीडियोस को यूट्यूब पर सर्च करता है तो वो वीडियो ऑलरेडी इतने व्यूज गेन कर चुकी होती है कि वो ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाती है। एंड बाय दिस वे वे यूट्यूब से बहुत बड़ी अमाउंट में मनी अर्न करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आई लव यू। अरे यार बोला ना, आई लव यू। थैंक यू।